हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और प्लेन फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और इसकी लेंथ मैंने ली है 41 इंच। यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6 इंच, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर से कमर की लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच, और हिप की लेंथ मैं ले रही हूँ 20 इंच। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पे हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंच। और यहाँ पे हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 इंच। अभी इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो इसका हाफ लेंगे, और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है, और 1/2 इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच, और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप दे देना है फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप दे देना है। इस तरह से नेक की मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे बॉटम में हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देना है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे ए लाइन शेप में। तो देखिए, मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से बैक का पार्ट हटा देंगे, और फ्रंट पार्ट को वापस 2 फोल्ड करेंगे। अभी हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 8 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उसमें 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेना है, और स्लीव की लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 17 इंच। अब यहाँ पे ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे इस तरह से, और स्लीव बॉटम में ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। और अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है, इसे ओपन करना है, और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट स्लीव कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से पीस लिया है मैंने, और इसकी लेंथ मैंने ली है 28 इंच,
और इसकी चौड़ाई लेनी है 9 इंच। अभी इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड ही रखनी है। देखिए अच्छे से इसे रखना है इसके ऊपर और यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेनी है। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे नेक की। तो देखिए इस तरह से पैच कट कर लेना है। अभी हमने इस तरह की 2 स्ट्रिप ली है और इसकी लेंथ है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 2 इंच। तो स्ट्रिप को हमें इस तरह से रखना है। देखिए दोनों सीधी साइड हमें अंदर रखनी है स्ट्रिप की और यहाँ इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पे वी शेप बनाते हुए मार्क करना है। देखिए और अभी हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे इसी शेप में। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और इसको हम सीधी साइड में टर्न करेंगे। देखिए कोनों को अच्छे से बाहर निकालना है। इसे प्रेस कर देंगे। तो देखिए अभी हमें पैच लेना है और ये पैच की सीधी साइड है। तो अभी हम इस स्ट्रिप को यहाँ पे लगाएंगे तो हम पैच के सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रिप को रखेंगे सेंटर पे और अब हम इसे यहाँ पे स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप को अटैच कर लिया है पैच पे। अभी हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे उल्टा रखेंगे हम और इसके ऊपर हम पैच को भी उल्टा रखेंगे। दोनों उल्टी साइड हमें अंदर रखनी है और नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने नेक के शेप में सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अभी कट लगाने के बाद में हमें पैच को सीधी साइड में टर्न कर लेना है। देखिए मैंने पैच को सीधी साइड में टर्न कर लिया है। अभी हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे इसे हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तीनों साइड हम फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच करके पैच को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हम बटन लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए अभी ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक नेक की फिनिशिंग के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप कट कर ली है। इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने नेक के शेप में सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों सीधी साइड हमें अंदर रखनी है और शोल्डर अटैच कर लेना है। तो देखिए अभी ये स्लीव है और स्लीव के लिए हमने ये बॉर्डर लिया है। इसकी लेंथ ली है 4 इंच। देखिए ये सीधी साइड है स्लीव की तो हमें स्लीव को इसके ऊपर रखना है बॉर्डर के ऊपर
और यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अभी हम इसे सीधी साइड में टर्न करेंगे और सीधी साइड में टर्न करने के बाद में हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसे यहाँ पे फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर लगा लिया है। अभी हमने ये दो स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 1.5 इंच और इसकी लेंथ है 6 इंच। यहाँ पे हमें स्ट्रिप की दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है और देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह का हमें शेप बनाना है और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है, अभी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और इसे हम सीधी साइड में टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से टर्न कर लेना है। तो अभी हमें स्लीव के सेंटर पे निशान लगा लेना है और स्ट्रिप को यहाँ पे रखेंगे हम। इसे हम इस तरह से अंदर रख करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है और अभी हम यहाँ पे बटन स्टिच कर देंगे। इस तरह से दूसरा स्लीव भी बना लेना है। तो देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिया है, अभी हम स्लीव को शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो स्लीव को शोल्डर के ऊपर उल्टा रख देना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दोनों स्लीव को अटैच कर लेना है। देखिए हमने स्लीव को अटैच कर लिया है, अभी हम इसे उल्टा करेंगे और यहाँ पे स्लीव से लेके बॉटम तक फिटिंग कर लेना है। और यहाँ पे बॉटम में हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।